क्लोथिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स, और आजकल तो सारी चीजें ही ऑनलाइन मिल जाती है मुंब्रा में। अच्छा, ऑनलाइन बाजार मिलता है क्या मुंब्रा में? हाँ मिलता है ना। हाँ यार, काश ग्रोसरीज भी ऑनलाइन मिल जाती। काश नहीं, अब ग्रो कार्ड। मुंब्रा में आप घर बैठे ही मंगाइए बाजार, सिर्फ 2 क्लिक्स पर ग्रो कार्ड के ऐप या वेबसाइट से आप अपना ऑर्डर कर सकते हैं। तयशुदा कीमतों से कम दामों में हर तरह की अच्छी दाल आपके दरवाजे तक। आप कॉल और व्हाट्सएप पर भी अपना ऑर्डर कर सकते हैं। पेमेंट के लिए आपको COD, नेट बैंकिंग, UPI के ऑप्शंस दिए गए हैं। ग्रो कार्ड के ऐप को डाउनलोड करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पर क्लिक करें। मैं रफीक कामदार, हिंदुस्तानी रिपोर्टर में आपका स्वागत है। पहले हमने कौसा, चरनीपाड़ा, रशीद कंपाउंड, यहाँ के नाले की और नाले पे सुरक्षा दीवार से सट करके बनाए गए कई ऐसे खतरनाक मकानों की खबर आपको बताई। हमने उस वक्त सभी को आगाह किया था, चाहे वो स्थानीय जनप्रतिनिधि हो, मंत्रीगण हो, थाने मनपा प्रशासन हो, सभी को हमने आगाह किया था कि अगर वक्त रहते यहाँ पर ध्यान नहीं दिया गया और नाले की इस कमजोर हो चुकी, अपना फाउंडेशन खो चुकी दीवार का काम अगर वक्त रहते नहीं करा कर लिया गया तो यहाँ पर हादसे हो सकते हैं। तो ऐसा ही एक हादसा हुआ है रशीद मुल्ला चाल में, कौसा पापा का नाका, कौसा चरनीपाड़ा का जो रोड है उस रोड पर, ये रशीद मुल्ला चाल है। वहीद सलामत खान करके हमारे ये साथ में यहाँ पर आप देख सकते खड़े, इनका ये मकान है। इस मकान के पीछे की तरफ से ये नाला पूरी तरीके से घूम करके आता है आगे से, और नाले की दीवार का फाउंडेशन चला गया और ये फाउंडेशन गिर जाने की वजह से उससे सटी भी इनके मकान की दीवार भी गिर गई है। आखिरकार यहाँ पर जैसा हमने आपको बताया, वाहिद सलामत खान इनके मकान की आज दोपहर में मंगलवार के दिन जो है दीवार ढह गई है। आगे के 2 मकान खतरे में है, पीछे के 1-2 मकान खतरे में है, एक दीवार है उसको क्रैक गया हुआ है। ये समूचा जो है खतरे का मामला यहाँ जो पैदा हुआ है उसकी वजह है नाले की सुरक्षा दीवार जो है, ये वॉल का फाउंडेशन, दीवार का की बुनियाद जो है वो बिल्कुल खत्म हो चुकी है। उसकी वजह से ये दीवार कभी भी गिर जाएगी। एक हिस्सा आज गिरा है, आने वाले दिनों में अगर बारिश लगातार रहती है या बीच बीच में भी आती है, बेताशा आती है, जोरदार आती है, तो इस तरीके के हादसा होते रहेंगे। यहाँ हमारे साथ है कांग्रेस की पदाधिकारी है, समाज सेविका है स्थानीय, तबस्सुम सैयद, जिन्होंने इस मुद्दे पर बार बार प्रशासन और स्थानीय नगर सेवकों से हमेशा बात की। तो क्या उनको रिस्पांस मिला है, किस तरीके का प्रशासन का और जनप्रतिनिधियों का रवैया रहा है, उस पर बात करते हैं। क्या बताएंगे तबस्सुम जी, आप पहले भी इस पर आवाज उठा चुकी है, इस पर भी आपने प्रशासन से कुछ पत्र व्यवहार किया है, मांग की है, जनप्रतिनिधियों से भी आपने बात की है, उसके बावजूद आज आया हादसा हो गया, क्या कहेंगे? क्या कहूँ, मेरी खुद के समझ में नहीं आ गया। क्यों? क्योंकि कैसा है, मैंने इस चीज के लिए पहले जब यहाँ पे नाले की दीवार का हिस्सा गिरा था उसके बाद मैंने रफीक भाई को बोली थी, उनके पहले के लेटर दिए हुए 2014 से वो लेटर दे रहे, तो उसके लिए लेटर दिए थे। उसके बाद में मैंने भी बाद में अपने थाने कांग्रेस का जो मेरा पद है उस पर लेटर दी, काफी बातचीत हुई वहां जाके, हम लोग बात भी की ऑफिस में, बोले हाँ देखेंगे, होगा, करेंगे। उसके बाद फिर कुछ दिनों बाद बोले कि नहीं, बोले अभी वो वहां से बाईपास से यहाँ तक के नाले का बड़ा पैमाने पे काम हो गए, बोले जब वो हो जाएगा तो ये काम भी हो जाएगा। आप लोग यानी सिर्फ सहानुभूति मिली, और इतना बड़ा हादसा होने के बाद भी यहाँ जो TMC के आए थे लोग, उनको ये तकलीफ नहीं हुई कि बेचारों का घर गिर गया, उनको ये तक टेंशन था कि अभी ये मट्टी उठाना पड़ेगा, नाले में से मलबा कैसा उठाए। तो ये जो उन लोगों ने बोले तो मुझको वो अच्छा नहीं लगा। मैं उन लोगों से सवाल जवाब भी की, बोली ये तो कोई हल नहीं हुआ, इसका कोई हल निकालो। अच्छा तबस्सुम जी, ये नाले पे धोखादायक स्थिति में मकान बने हुए हैं, दीवार को लग करके है, उनकी दीवारें लग करके है, ये इमारत भी है, ऐसा यहाँ से लेकर के पूरा ये नाला जहाँ तक जाता है कई ऐसी चालियां है। तो ये कितने साल से ये हालात इधर बने हुए हैं? ये हालात तो यानी कि 2008 से मुझको लगता है कि वहां से चालियां बनते हुए आई है। अच्छा, और ये जो चाली ये तो आज की 35-40 साल पुरानी चाली है, रशीद कंपाउंड बसने की शुरुआत इन चालियों से हुई है। चाली से हुई है रशीद मुल्ला चाल, यानी रशीद कंपाउंड की शुरुआत थी, यही थी जी। तो यानी 35-40 साल हो गए इस चाली को भी होके। अभी एक नाला जैसे जैसे बनता गया,
तो अब इसके आसपास जैसे चालियां बनी, तो अब ये जैसे आज ये पुराना मकान गिरा है, बीच में तो कुछ नए मकान भी गिरे थे, तो ये ऐसे हालात जो है पिछले कितने अरसे से, 2 साल से, 5 साल से, 10 साल से, 4 साल से, कैसा एक आंकड़ा बताइए? 4 साल से ज्यादा हो गया, 4 साल से ज्यादा हो गया, और 4 साल से आप लोग लगातार प्रशासन को कह रहे, जनप्रतिनिधियों को कह रहे, लेकिन कोई सुनवाई नहीं। यहाँ के जो स्थानीय प्रतिनिधि है उन्होंने हमको ये भी बताया कि यहाँ का जो नाले की निधि है वो पास हो गई है और वो काम चलेगा, तो काम हुआ लेकिन वो आधे से आधा भी नहीं, 25% हुआ, और वहाँ तक के, वहाँ से लेके लास्ट तक के कहीं कुछ काम नहीं हुआ। जो मोतीबाग की तरफ से आ रहा है नाला उतना हिस्सा हुआ ही हुआ है, क्योंकि वहाँ से यहाँ तक के कुछ काम नहीं हुआ, तो वो बाकी के पैसे कहाँ गए, निधि गई कहाँ? निधि गई, इसका जवाब कौन देगा? क्या नाम है आपका? मेरा नाम वहीद सलावत खान। वाहिद भाई, ये मकान की आपकी दीवार गिरी है नाले की दीवार को लग करके, ये इलाका कौन सा है और ये हादसा कितने बजे हुआ? रशीद कंपाउंड चाल है और हादसा दोपहर में 1:30 से 2 के करीब हुआ है, 1:30 से 2 बजे के करीब। अच्छा, ये दीवार जो है मकान की आपकी नाले की दीवार से कितनी दूर थी? 2 फुट छोड़ के थी, 2 फुट छोड़ के थी। तो ये नाले की दीवार गिरने से फिर दीवार गिरी है क्या? एक्चुअली 3 साल पहले इसका फाउंडेशन बह गया था, गटर का, उसके साथ साथ मेरा फाउंडेशन भी बह गया था। अच्छा, फिर बाद में रियान भाई ने जरा बोल के उसमें गोनिया भी नहीं लगाया, गोनिया लगाई, फिर टेम्पररी मुझे बांध के दिया गया है कॉन्क्रीट का, और बोला जाया था तुम्हारे बना के, लेकिन इसको 3 साल हो गए, 3 साल पहले ये किया गया था। तो उसके बाद बोले अभी बनाइए, पीछे पड़ पड़ के थक गया, कुछ नहीं हुआ। अच्छा, जबकि मेरा पत्र व्यवहार 2014 से चालू है। अच्छा, ये गटर का नाला पूरा बना के देने के लिए चन्नी पार से लेके शिमला पार तक। अच्छा, उधर से 3 साल से आप दे रहे? नहीं, 6 साल से, 6 साल से। और मुझे वहां से उसका जवाब भी दिया गया था। अच्छा, ये आपका ये स्टैंडिंग कमेटी में रखा गया है, आपका ये सब बना के दिया जाएगा बोले करके। अच्छा, अभी टेम्पोररी आपको महानगर पालिका को बोल दिया गया है, ये सब करके दो करके छोटा मोटा। अच्छा, तो 1 से 2 बार बना के दिया गया। अच्छा, फिर अभी वापस पत्र और बना के दिया गया, मतलब किस तरीके से बनाया गया? मुकम्मल काम किया गया? मुकम्मल नहीं, टेम्पोररी एकदम, टेम्पोररी। अच्छा, आप बताइए ये मकान आपका है, ये दीवार गिरी है, और कितने ऐसे मकान है यहाँ पर जो है नाले की दीवार की वजह से उनकी दीवार है या उनका कोई भी हिस्सा कभी भी गिर सकता है? ये 2, एक मेरा बाजू वाला रूम और उसके बाजू वाला रूम। अच्छा, ऐसे कुल 3 मकान है जिसको मिला कर, इसमें मिला के 3 रूम, तो ये 3 रूम को अभी भी खतरा बना हुआ है, 1 का तो हो गया, 2 बचे। आज ये दीवार गिरने के बाद, नाले का भी फाउंडेशन बहने के बाद ये हादसा हुआ, तो मनपा के कोई अधिकारी कर्मचारी वगैरह आए थे? मनपा के अपने गोस्वामी साहब आके गए, जोशी साहब आके गए, नगर सेवक रेहाना आके गए। क्या बोल के गए आपको, क्या आश्वासन दिया? पहला तो कल गोस्वामी साहब आए थे, आने बाद बोलने लगे कि आप ये दीवार इतनी छोड़ दो और इधर से एक दीवार बनाओ, इसी में आप टॉयलेट बाथरूम और किचन बनाओ और इसमें यूज करो। अच्छा, कहाँ इधर इतनी जगह? वही तो मैं वही बोला, मिला साहब आप खुद देखो। अच्छा, इतने हिस्से में जो आपको बोला गया, तो कैसा होगा उसमें? वही मैं उनसे बोला कि आप खुद देखो, आप खुद सोचो मतलब कैसा हो सकता है। अच्छा, और इतना बोल के आज ये हादसा हुआ, ये कल बोल के गया, कल बोल के गए और आज हादसा हुआ, और आज आए तो फिर क्या बोले? आज भी आके देख के गए सब करके, तो वही बात है कि दीवार मारो नहीं, यानी जोशी साहब को बता रहे थे मैं ऐसा ऐसा सांगे बिंदु गांधी ऐसा ऐसा रहा। फिर वो रियान भाई को बोले कि तुम्हारे लेटर हेड पे जो करना है आप करो बोले। हाँ, आपको तो बता दिया गया। अच्छा, अब वो आगे उन लोग क्या काम करते वो देखो।